दूसरे पीटी टेबल की पहली एक्सरसाइज पोजिशन ट्रिप। इसमें पहले 8 बार की गिनती में आगे हाथ आएंगे घूमते हुए, और फिर 8 के बाद चेंज होगा, तो उसमें एक्सरसाइज चेंज नहीं है, बस उसमें रोटेशन चेंज है। फिर पीछे, पहले आगे पीछे से आगे आ रहे थे, फिर आगे से पीछे जाएंगे। आगे से टाइम शुरू कर। एक एक, अब ये दो पीछे से आगे आ तीन रहे हैं। चार पाँच छ छः, नेक्स्ट छ चेंज। अब ये चेंज आठ हो गया, अब सात आगे से छ पाँच पीछे जा रहे हैं। चार तीन दो थम। दूसरे पीटी टेबल की दूसरी एक्सरसाइज पोजिशन ट्रिप। इसमें एक हाथ, जो हाथ घूमना है उसके जो है छाती पे आ जाएगा, जिससे सपोर्ट मिलेगा बैलेंस में भी, और उस मसल्स को पकड़ के रखेंगे। आगे से टाइम शुरू कर। एक दो तीन चार पाँच छ नेक्स्ट चेंज अब आठ इसमें रोटेशन सात छ वापस पाँच वही। चार तीन दो थम। दूसरे पीटी टेबल की चौथी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइजों के मुकाबले थोड़ी कठिन एक्सरसाइज है, इसलिए हमने इनको हाथ में थाली दिलाई है। जिनको ये स्टार्टिंग में करने में दिक्कत आए, वो थाली की मदद से कर सकते हैं, और उसके बाद थाली जो है आप छोड़ दें, फिर खाली हाथ, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो पोजिशन रेडी, आगे से टाइम शुरू कर। एक दो तीन चार पाँच छ नेक्स्ट चेंज आठ सात छ पाँच चार तीन दो थम। अब इसी काम को ये खाली हाथ करके दिखाएंगे। आगे पोजीशन रेडी, आगे से टाइम शुरू कर। एक दो तीन चार पाँच छ नेक्स्ट चेंज आठ सात छ पाँच चार तीन दो थम। ध्यान दें, दूसरे पीटी टेबल में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें हम एक शब्द का यूज़ करेंगे, मोटा मसल। मोटा मसल, मसल मतलब डोला। देखो भाई, कहाँ किसे कहते हैं मोटा मसल, इसे। और अभी इन बच्चों के भी नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ये मोटा मसल कान के लगेगा। कहाँ है भाई कान के? हाँ, ये मोटा मसल यहाँ कान के लगना है। कान के और इसके बीच में, जैसे भुवनेश की इसमें से दिख रही है ना हवा, बीच में से लाइट, ये नहीं दिखना है। अगर ये कान के लगा होगा तो अब हुआ भुवनेश का हाथ सही। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि ये मोटा मसल कान के लगाने की आदत हो, और ये लगाना ज़रूरी है।